हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की संरचना के बारे में हमने कल अध्ययन किया था और ये भी समझा था कि ओव्यूल क्या है। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। ओव्यूल के प्रकार आज हम पढ़ेंगे ओव्यूल कितने प्रकार का होता है। यदि हम कल वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज़ करें, एलएस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की लंबवत काट, तो हमने इसमें पढ़ा था कि ओव्यूल के जो सबसे अंदर वाला ओव्यूल के जो सबसे अंदर वाला भाग होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक। वो क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। हम जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट को न्यूसेलस घेरा रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या घेरा रहता है? न्यूसेलस। और न्यूसेलस के एक भाग से इंटेग्यूमेंट उत्पन्न होते हैं और इंटेग्यूमेंट पूरे एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए रहते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो है वो एंजियोस्पर्म में आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी भी कहते हैं, आवृतबीजी प्लांट में पूरा ढका हुआ होता है या इंटेग्यूमेंट से पूरा इनक्लोज्ड होता है। तो ये तो हो गया एलएस ऑफ ओव्यूल के बारे में। लेकिन ओव्यूल में एक जो नीचे स्ट्रक्चर होता है, जो जहाँ पर दो इंटेग्यूमेंट आपस में जुड़ते हैं, उनको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार, चैलेजा और फ्यूनिकल किन किन की? कल हमने ये स्ट्रक्चर पढ़े थे, चैलेजा, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल। इनकी स्थिति के आधार पर ओव्यूल्स को छह प्रकार के ओव्यूल्स बताए गए हैं। किन किन के आधार पर? फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल। इन तीनों संरचनाओं के आधार पर ओव्यूल के छह प्रकार बताए गए हैं। पहला है एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या ऋतुबीजांड। एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या ऋतुबीजांड। अब जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, इसमें आप देखो कौन सा वाला? ये ए वाला। तो इसमें माइक्रोपाइल, इसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा और फ्यूनिकल सब एक सीध में बिल्कुल स्ट्रेट है। माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल, बीजांडव्रत, निभाग और बीजांड द्वार, तीनों एक सीध में हैं। तो ये होगा, इस तरह का ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस। इसके एग्जांपल हैं पॉलीगोनम और पाइपर। दूसरा है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, प्रतीप बीजांड। एनाट्रोपस ओव्यूल में न्यूसेलस और माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और माइक्रोपाइल घूम जाते हैं। इसमें माइक्रोपाइल, या हम कह सकते हैं कि जो बीजांड व्रंत है, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल पूरे घूम जाते हैं। या ऐसा, तो चैलेजा जो है ऊपर की तरफ होता है। चैलेजा इसमें कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो जो कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था एलिस ऑफ ओव्यूल का, वो एनाट्रोपस ओव्यूल की ही संरचना थी। इसमें न्यूसेलस एवं माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और फ्यूनिकल तीनों जो हैं एक सीध में आ जाते हैं। देखो, एक सीध में आ रहे हैं तीनों, और चैलेजा जो है वो उल्टा हो गया। तो इस कारण ये क्या हो गया? इन्वर्टेड। तो हमको इसमें पूरा ये जो चैलेजा है वो इन्वर्ट, क्योंकि पूरी जो ओव्यूल की संरचना है वो 180 डिग्री पर घूम जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना है उसमें हम कह सकते हैं कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार, दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। और माइक्रोपाइल और चैलेजा एक सीध में दिखाई दे रहा है,
एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला ओव्यूल कहलाता है एनाट्रोपस। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर और अरंडी, रिसिनस, सनफ्लावर और रिसिनस। तीसरा है आपका केमाइलोट्रोपस ओव्यूल, तीसरा है केमाइलोट्रोपस ओव्यूल। देखो इसमें यदि आप देखो एक बार तो आपको और अच्छे से जो है ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ये देखो माइक्रोपाइल, इसमें ये है आपका नीचे माइक्रोपाइल और ये चला जा एक सीध में, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये जो बी वाला है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है और ये ऊपर जो है ये चला जाए। ये है आपका हेमी एनोट्रोपस। तीसरा प्रकार जो है, जो थर्ड प्रकार है इसमें अपना, वो है हेमी एनोट्रोपस। हेमी एनोट्रोपस को कहेंगे हम हिंदी में अर्ध प्रतीत ओव्यूल। इसमें क्या हो रहा है कि जो बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल और चला जा एक सीध में, दोनों एक हॉरिजॉन्टल है और जो फ्यूनिकल है वो इसके समकोण पर है, जो फ्यूनिकल है वो इसके समकोण पर है। तो हम इसको थोड़ा सा देखो, सी वाले को देखो, इसमें जो फ्यूनिकल है ये देखो, सी वाले को देखो, ये जो है इसमें नीचे, तो ये रहा आपका फ्यूनिकल, ये है आपका फ्यूनिकल, ये राइट एंगल पर है, ये है माइक्रोपाइल और यह है चला जा। तो माइक्रोपाइल और चला जा ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और इनके समकोण पर है फ्यूनिकल। तो ये एग्जांपल है, इसके एग्जांपल हैं सरसों, ब्रैसिका, क्या है सरसों। फिर यह है आपका केमाइलोट्रोपस ओव्यूल, केमाइलोट्रोपस ओव्यूल या वक्र बीजांड। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ओव्यूल बहुत इतना अधिक घूम जाता है, ये ओव्यूल जो है इतना अधिक घूम गया कि इसमें कुछ भी चीज़ें एक सीध में नहीं आ रही। अब देखो ये माइक्रोपाइल है, ये वाला जो छिद्र है ये माइक्रोपाइल है, ये है आपका चला जा, ये है फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल हम किसको कहते हैं जिसमें कि ओव्यूल प्लेजेंटा से जुड़ा रहता है, तो ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है और ये है आपका चला जा। तो कुछ भी, कोई भी आपस में एक दूसरे से सीध में नहीं आ रहे। तो केमाइलोट्रोपस में क्या होता है कि जब ओव्यूल इस प्रकार घूम जाता है कि माइक्रोपाइल चला जा एक सीधी रेखा में नहीं आते, तो ये इतना घूम गया है तो इसको क्या कहेंगे, वक्र। यहाँ पर न्यूसेलस भी घूम गया और जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल नीचे की ओर फ्यूनिकल के पास आ गए, ये फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल दोनों थोड़े पास पास आ गए। तो ये है केमाइलो एनाट्रोपस में भी ये दोनों थोड़े पास पास हैं और ये इसमें भी पास पास आ गए। फिर ये इसका एग्जांपल है रेनन्कुलस, इसका एग्जांपल है रेनन्कुलस। फिर एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या हुआ, इस संरचना में ओव्यूल की टेढ़ेपन के कारण, टेढ़े होने के कारण जो एम्ब्रियो सैक ने ये देखो घोड़े की नाल का शेप बना लिया है, ये देखो पूरा दिख रहा है ना, ये देखो आप, ये है घोड़े की नाल का शेप। तो एम्ब्रियो सैक किस शेप का हो गया, घोड़े की नाल का शेप होने के कारण इन सब की संरचना अलग, ये सब जो है, ये देखो ये तो है आपका नीचे फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल, ये है माइक्रोपाइल, ये है एम्ब्रियो सैक, ये है आपके इंटेग्यूमेंट्स जो कि एम्ब्रियो सैक को घिरे हुए हैं, इंटेग्यूमेंट एम्ब्रियो सैक को घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या हुआ, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, तो इसके कारण फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक
सीध में आ गए, अनुप्रस्थ एक सीध में आ गए। इसका एग्जाम्पल है अफीम, पॉपी। फिर यह है आपका सर्सिनोट्रोपस। ये क्या है? सर्सिनोट्रोपस। तो सर्सिनोट्रोपस में क्या हुआ, ये एक विशेष प्रकार का विचित्र ओव्यूल है, एक विशेष प्रकार का है जो कि कैक्टस वगैरह में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कैक्टस वगैरह में। इसमें फ्यूनिकल बहुत अधिक लंबा हो जाता है। देखो ये जो है ये इसका फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल इतना लंबा हो गया, इसमें फ्यूनिकल बहुत लंबा हो जाता है। सर्सिनोट्रोपस हिंदी में नाम है कुंडलित बीजांड। क्या है? कुंडलित बीजांड। तो जो फ्यूनिकल है इसने ऐसे कुंडली जैसी मार ली है, तो ये कुंडलित, ये फ्यूनिकल है। फिर ये इसमें माइक्रोपाइल है, ये वाइट वाला एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो फ्यूनिकल है ये बहुत लंबा हो गया और इसने ओव्यूल को, इसने पूरे ओव्यूल को घेर लिया, यहाँ से यहाँ तक फ्यूनिकल को घेर लिया। और फ्यूनिकल की लंबाई बढ़ने के कारण जो ओव्यूल है ये पूरा 360 पर घूम गया। किस पर घूम गया? 360 पर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसी कुंडलित स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये है आपका सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, कुंडलित बीजांड। क्या कहेंगे हम इसको? कुंडलित बीजांड। देखो ये वाले, ये रहे आपके, ये इनके हिंदी में प्रकार, हिंदी में नाम है। यहाँ पर यदि आप एक बार हिंदी में भी अपने देखें तो देखो आपको हिंदी में भी थोड़े से समझाने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखो ये पहला वाला है आपका ऋतु बीजांड। पहला वाला क्या है? ऋतु बीजांड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। पहला वाला क्या है? ऋतु बीजांड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में देखो, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में मेन क्या है? बीजांड द्वार और चला जा, दोनों एक सीध में, ये दोनों एक सीध में। दूसरा है आपका प्रतीप बीजांड। दूसरा क्या है? प्रतीप बीजांड। तो इसमें ये माइक्रोपाइल और बीजांड व्रंत दोनों पास पास है और चला जाए, और माइक्रोपाइल एक सीध में ऊपर चला जाए। तीसरा है ये आपका अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप मतलब हेमिएनोट्रोपस। हेमिएनोट्रोपस में क्या हुआ कि इसमें फ्यूनिकल जो है सीध में नहीं है, बल्कि ये जो फ्यूनिकल है ये बीजांड व्रंत नीचे, ये इसके समकोण पर है। अब इसमें माइक्रोपाइल और चला जाए एक सीध में, और फ्यूनिकल इसके समकोण पर है। फिर ये आपका डी वाला है अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप मतलब हेमिएनोट्रोपस। हेमिएनोट्रोपस में क्या हुआ कि डी है आपका एम्फीट्रोपस। डी है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस को हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ बीजांड। तो अनुप्रस्थ बीजांड में आप देखो ये जो भ्रूण पोष है ये घोड़े की नाल के आकार का है, ये घोड़े की नाल के आकार का है भ्रूण पोष। एग्जाम्पल है पॉपी। और फिर है वक्र प्रकार का। तो जो वक्र है, वक्र में क्या हो रहा है कि पूरा ओव्यूल इस तरह से घूम गया कि ये माइक्रोपाइल और ये फ्यूनिकल जो है ये बीजांड व्रंत, ये देखो ये माइक्रोपाइल और ये बीजांड व्रंत, और ये चला जाता, मतलब ये पूरा इसमें भ्रूण पूरा ओव्यूल घूम गया। फिर आपका लास्ट वन है कुंडलित बीजांड सर्सिनोट्रोपस। क्या है लास्ट वन? सर्सिनोट्रोपस। तो सर्सिनोट्रोपस में क्या है? ये फ्यूनिकल इतना लंबा हो गया, ये बीजांड व्रंत, ये बीजांड व्रंत इतना लंबा हो गया। अब देखो इसमें एक सीध में, तो इनके आकार, इनकी उपस्थिति के आधार पर ये इनमें एक सीध में, इसमें एक, इसमें क्या है कि इसमें ये बीजांड द्वार और माइक्रोपाइल पास पास हैं। अब ये जो है आपका एम्फीट्रोपस अनुप्रस्थ बीजांड, इसमें भ्रूणपोष घोड़े की नाल के आकार का है, भ्रूणपोष।